अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। अब जैसे कल हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसके फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन को डिस्कस किया था अपने लेक्चर में। आज जो है सेकेंड वाली फॉर्म है सिंपल मशीन की, वो हमारे पास है रिवर। अ रिवर इज़ अ सिंपल रॉड दैट मेक्स वर्क ईजियर फॉर अस। It helps to move a heavy load around a fixed point using lesser force relatively. जैसा कि स्टूडेंट्स हम रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, रिवर भी हमारे पास सिंपल मशीन की एक फॉर्म है, ठीक है। रिवर एक ऐसी सिंपल मशीन है, ठीक है, और एक रॉड होता है जो कि हमारे वर्क को, हमारे काम को क्या बनाता है, आसान बनाता है। यानी कि ये हमारे पास एक मशीन है जिसकी वजह से हम इसके साथ अपने काम को इजी बना सकते हैं, ठीक है। यानी लाइक अगर हम लोगों ने कोई भी हैवी लोड उठाना है तो हम क्या करेंगे, रिवर का यूज़ करेंगे। लाइक हम सिंपल मशीन का यूज़ करेंगे। अब क्या होता है, लाइक अगर मैं सिंपल मशीन की बात करूं, हमने कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाना है या लोड वाला, हम लोगों ने लोड उठाना है, तो अगर हम अपने हैंड्स का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होगी। इसलिए हम रिवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कोई भी भारी सामान जो है अपने काम को आसान बनाने के लिए, अपनी लेस एनर्जी को यूज़ करने के लिए हम सिंपल मशीन का यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आप लोगों को पिक्चर्स दिखाई हुई है, ठीक है। ये सारी हमारे पास रिवर की एग्जांपल्स हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं सीसा की बात करूँ तो ये सब आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें थ्री थिंग्स जो हैं या तीन चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास वो फेरिकुलम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस पर जो है वो फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगी तो ये वाला जो एंगल होगा वो अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अगर इस एंगल पे फोर्स अप्लाइड होगी तो ये वाला जो एंगल है वो अपवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। लाइक अगर हमने किसी वेट को उठाना है तो क्या करेंगे हम लोग, हम अगर अपने हाथ का यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी, ठीक है। लाइक अगर हम मशीन का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी और एनर्जी भी हमारी क्या होगी, कम यूज़ होगी, ठीक है। लाइक लीवर जो है ये भी हमारे पास एक है जो कि हमारे काम को क्या बनाती है, आसान बनाती है। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्म है सिंपल मशीन की हमारे पास, वो क्या है, पुली, ठीक है। ये सिंपल मशीन की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और हम उसको क्या कहेंगे, पुली है ये हमारे पास। पुली कंसिस्ट ऑफ अ व्हील एंड एक्सल टू सपोर्ट मूवमेंट एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेसिकली जो पुली है हमारे पास, ठीक है, उसमें कितनी चीज़ें आती हैं, पुली में व्हील आ जाता है, एक तो हमारे पास व्हील है और दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सल है, जो कि हमें मूवमेंट करने में क्या करता है, सपोर्ट करता है। एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, और जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर दिखाई हुई है पुली की, ठीक है। लाइक यहाँ पे एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो फोर्स लगा रहा है और यहाँ पे जो लोड है वो क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव, लोड की जो मूवमेंट है वो क्या हो रही है, अपवर्ड हो रही है, ठीक है। समझ आ रही है, यहाँ के यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो हमारी पुली है, ठीक है, जो फोर्स है वो क्या करती है, डायरेक्शन को चेंज करती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम हैवी लोड को उठाते हैं तो वो नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है, यानी नीचे की तरफ एक्ट करता है। लेकिन क्या हो रहा है, जब यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो रही है तो इसकी ये जो लोड है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, यानी अपवर्ड मूव कर रहा है। यानी यहाँ पे जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। यानी पुली की वजह से, पुली भी हमारे पास एक सिंपल मशीन है जो कि क्या करता है, हमारे काम को, हमारे वर्क को, जितनी भी सिंपल मशीन्स हैं वो हमारे वर्क को क्या बनाती है, आसान बनाती है, ईजी बनाती है, ठीक है। समझ आइए आप लोगों को इन दो फॉर्म्स की, सिंपल मशीन की। कल हम नेक्स्ट टू फॉर्म्स जो है वो इसकी जो है वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको रीड आउट करेंगे।
थैंक यू।